भाई भाई, अरे रे खतरनाक, क्या ही खतरनाक। स्टीयरिंग व्हील के ना साथ में चलाने में मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, कटकुट मारने में तो और दिल खुश हो जा रहा है। बूस्ट देता हूँ मैं, बूस्ट देता हूँ, कहाँ तक जा रही है। और 450 भाई, स्वागत है आप सभी का क्रू मोटर फेस्ट के पहले एपिसोड में। फाइनली आज से इस गेम की सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो भी अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ में। पता नहीं कितने महीनों बाद आज मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को यूज़ करने वाला हूँ। और सॉरी, इस गेम की सीरीज लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये गेम रिलीज होकर 3 महीने हो चुके हैं। और इस गेम को मैं तब खेलने वाला था जब मैंने अपने सेटअप को कहीं और शिफ्ट किया था, बट वहाँ कुछ महीने मैं रुक कर दोबारा अपने सेटअप को अपने घर लेकर आ गया हूँ। बट अभी तक भी मैंने इस गेम को ट्राई नहीं किया था, तो लेट्स गो, चेक करते हैं कि क्या क्या है चीज़ें क्रू मोटर फेस्ट के अंदर। क्रू 2 की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, मतलब 5-6 एपिसोड मैंने उस गेम के अपलोड किया हुआ, अगर तुमने नहीं देखा तो ज़रूर चेक करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बट इसके अंदर ना फोर्ज़ा और क्रू मोटर फेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है मालूम? फोर्ज़ा के अंदर सिर्फ कार्स है, बट इसके अंदर ना सुपर कार से लेकर बाइक से लेकर प्लेन से लेकर बोट से लेकर ऑफ रोडिंग से लेकर मतलब सारी चीज़ें जितनी भी रेस से रिलेटेड है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें इस गेम के अंदर है। लेट्स गो। वैसे अभी हमारे पास में ना सिर्फ 3 या 4 ही कार है, एक बोट है, एक बाइक है, एक ऑफ रोडिंग के लिए कार है और एक रेस के लिए कार है। मैं अगर तुम्हें अपना कलेक्शन बताऊँ तो फिलहाल मैं अपने पास में ये वाली बोट है और ऑफ रोडिंग के लिए ये वाली कार है, ये वाली भी एक कार है जीप जैसी रेडबुल की, और ये KTM की बाइक है और एक मस्टैंग है। और वैसे ये वाली कार तो थी नहीं मेरे पास में, एस्टन मार्टिन पता नहीं कब आ गई। और पैसे अगर देखेंगे तो अभी हमारे पास में सिर्फ 1,01,000 रुपए है। 1,00,000 तो अपने को पहले से मिले, 1,000 रुपए मैं रेस में लास्ट आकर जीता हूँ अभी। ऑल राइट, तो अभी हम है जापान में। पहले मैं तुम्हें मैप बता देता हूँ, मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये तो सिर्फ एक मैप है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। रात में तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल ऊपर से ना एक बार देख लो, इतना बड़ा मैप है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक भी नहीं हुई है, अभी पहले मैप में बता रहा है कहीं तो जाने का। तो लेट्स गो, इतने महीनों बाद स्टीयरिंग व्हील चला रहा भाई साहब। मैनुअल चलाओ क्या, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअली चला के वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार अंदर से ज़रा कार का लुक देख लेते हैं भाई, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है कार। और मेरे को नहीं लगता मैं स्टीयरिंग व्हील के साथ में एक भी रेस जीत पाऊंगा, बट कोशिश करेंगे स्टीयरिंग व्हील के साथ में ही सारी चीज़ें करें। यार अंदर चला जाना, स्टीयरिंग वाला व्यू देखना है मेरे को। यस 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 यस, यार शिफ्टर के साथ में खेलूंगा ना, मतलब गियर वेयर चेंज करके मैनुअली, तो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे नहीं, इतने दिन के बाद मैं भी चला रहा हूँ, देखो मैं तारीफ करने का काम कर रही हूँ खुद की। जब भी मैंने तारीफ किया कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही हुआ है। बूस्ट का है, आ है बूस्ट है अपनी कार को। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्टीयरिंग व्हील के साथ में। फोर्ज़ा से ज़्यादा कंट्रोल इस गेम के अंदर है स्टीयरिंग व्हील के साथ में कार को, मतलब फोर्ज़ा कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक है इस गेम में ना। स्टीयरिंग व्हील के साथ में कार को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जा रहा है। लेट्स गो, अब पहुंचते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। अरे कर लूंगा भाई, मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, कर लूंगा। नूपता से हम प्रोता तक जाने वाले इस सीरीज के अंदर, तो बस तुम इंजॉय करोगे ना तो लाइक का बटन दबा देना, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूं। तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ें होती है इस चैनल के ऊपर, ठीक है? कितना डिस्टेंस बचा है, 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ भाई। बूस्ट देते ही हमारी तो 250 की स्पीड से कार चल रही है। देखो मैं हाथ छोड़ के भी कार चलाता हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जापान वाला मैप है, मतलब यहाँ पर ना ड्रिफ्टिंग वाली भी रेसें होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये ऑलरेडी किसी की यहाँ पर रेस लगी हुई है। अरे चुप कर जा, मेरे को अपनी डेस्टिनेशन पर जाने दे बस तू। ऑलराइट, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है अभी, क्या हम सीधा रेस में जाने वाले हैं? रेस का तो बता रहा है यहाँ पर, जिसमें अपने को जीतने के बाद शायद से हो सकता है 7,000 XP और 13,000 रुपये मिले। लेट्स गो, चलते जाकर होंडा NSX चलाते, पता नहीं कौन सी वाली कार है ये। ऑलराइट, सारे के सारे ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद है और पूरे के पूरे जैपनीज है भाई, पूरे के पूरे जैपनीज होने वाले। हम मैंने खुद अपना कैरेक्टर ना जैपनीज ही सिलेक्ट किया, क्योंकि वो ना
कार चलाने के अंदर काफी ज्यादा, मतलब उनका ना लुक अच्छा लगता है स्पोर्ट्स कार के अंदर। भाई साहब, अरे ये सब नहीं सुनना, मेरे को डायरेक्ट रेस में छोड़ो। हयोतो, सॉरी यू हैड टू वेट किड। हयोतो, अच्छा तेरा नाम है हयोतो, ठीक है जो भी है। तो चल निकल, रेस चालू करते हैं। लेट्स गो, 1 2 3 लेट्स गो। पहले बूस्ट दूंगा, हटो 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 हटो, भाई को जाने दो, पापा आए हैं स्टेयरिंग व्हील लेकर बहुत महीनों बाद। पापा को पहले जाने दो, पापा इस गेम के अंदर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फिर पैसा कमा के महंगी महंगी कारें लाएंगे, फिर गेम के अंदर ही पापा फ्लैक्स करेंगे। पहला चेक पॉइंट क्लियर, मैप के ऊपर भी अपने को नजर रखनी है, ठीक है। वेरी नाइस। अरे यार स्टीयरिंग व्हील के साथ में, क्या ये ड्राइवर मैं ही हूँ स्टीयरिंग व्हील के साथ में चलाने वाला है? क्या ये ड्राइवर मैं ही हूँ स्टीयरिंग व्हील के साथ में जो चला रहा? व्हाट व्हाट, क्या ही चला रहा हूँ, खतरनाक। यार तू अपना मुंह बंद कर ले, कार का साउंड चला गया, मेरे को तेरी बातें सुनने में ना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। पीछे ये क्या मेरे वो लोग, क्या वो लोग मेरे नहीं, सामने देखो मेरा मुन्ना, सामने देख के खामोशी से चुपचाप से कार चला। ए तेरा मुंह बंद करना, तू दिमाग खराब कर रहा। 34% रेस हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं हूँ फर्स्ट पोजीशन पर। अरे जीत जाएंगे भाई, जीत जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। ओके यार, मैं मैनुअली चलाऊंगा ना, तो मैनुअली में तो और काफ़ी ज़्यादा हम धूम मचा देंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुमको, मैनुअली और काफ़ी ज़्यादा गोली हो जाएगी हम। मजा आ रहा है यार बहुत ज्यादा स्टीयरिंग व्हील के साथ में कार चलाने के लिए। इसी खुशी के मौके पर तुम लाइक का बटन दबा देना। देखो पहली ठोकर थी हमारी, ये इस सीरीज की पहली ठोकर, यादगार रहेगी। भाई बूस्ट तो है, एक चीज अच्छी लगी मेरे को गेम के अंदर, बूस्ट भी है। दौड़ा दौड़ा चढ़ाओ के ऊपर, कम नहीं करना स्पीड, खूब दौड़ा। तीसरे गियर के अंदर या दूसरे गियर के अंदर चढ़ा। ओ ओ, फुल फ्लैक्स फुल फ्लैक्स। यस, एक और चेक पॉइंट ले लिया है। जैसे टर्न के ऊपर स्पीड कम होगी ना, ये एक्सट्रीम टर्न है, लेता रहे टर्न लेता रहे। यस, चलते रहे, रुकना नहीं। दौड़ाते रहे, थोड़ा सा बूस्ट देना पड़ेगा इधर। दौड़ाते रहना, तू क्यों कम कर रहे है तेरी स्पीड, साले हार जाएंगे हम। 77% रेस कंप्लीट हो गई है, सामने एक और चेक पॉइंट दिख गया पहाड़ी के ठीक बैक साइड में। इस टर्न के ऊपर ना अपने को बस थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। यस, अरे क्या ही मजा आ रहा है स्टीयरिंग व्हील के साथ में। अभी मैं स्टीयरिंग व्हील को और अच्छे से अगर ट्यून कर दिया ना भाई, तो तुम्हें फिर असली नेटफ्लिक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुमको। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी है, क्योंकि मैं स्टीयरिंग व्हील के साथ में ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छे से कोई कार चला रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन भी कभी ज़िंदगी में अच्छे से स्टीयरिंग व्हील के साथ में कार नहीं चलाई। मजा आ रहा मेरे को बहुत तेज। और यस, तुम्हारा भाई जीत गया है। यस, शाबाश शाबाश, 3 मिनट के अंदर। अरे हट, नहीं है मैं यू ना हार पिना देता हूँ ऐसे डिजिटली तेरे को। वेरी नाइस यार, मुझे तुम पर फकर है। पैसा कितना मिला वो बता। मिला है क्या अच्छा खासा? 13,000 रुपये मिल गए, 1,15,000 हमारे पास में हो गए है। वेरी 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 नाइस। अब कहाँ जाने के लिए बोल रहा है यार? थोड़ा सा फ्लैक्स करते करते जाते हैं ना, है? थोड़ा सा फ्लैक्स। कहाँ निकले हो? ओ, कहाँ निकले हैं ये लोग? चलो ठीक है, थोड़ा सा फ्लैक्स करते हैं। तुम मचा ले, हट बे, घुस जाता अभी, घुस गया था अभी। वड़ा पाव पाव वड़ा पाव। चलो ठीक है, दूसरी लेस के तरफ ये हमें लेकर जा रहे, तो चलते हैं। यार स्टीयरिंग व्हील को और ट्यून कर दिया ना मैंने, तो और मजा आ जाएगा, काफी ज्यादा खतरनाक। मेरे को तो लग रहा है स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से पूरे गेम को बनाया गया है। कीबोर्ड के ऊपर ना उतना कंट्रोल नहीं हो रही थी कार। ए थूक जाता अभी। इस गेम की कौन सी टॉप कार्स है, कौन सी सुपर कार्स है, कौन सी बाइक्स है, कौन सी बोट्स है, कौन सी प्लेन्स है, सारी चीजें मेरे को कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें पता है तो। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके हर एक चीज खरीदने की, ठीक है।
हर एक चीज हम खरीद लेंगे और अपने गैराज के अंदर लगा देंगे। अभी हमारे पास में ना सिर्फ चार चीजें, पांच चीजें, एस्टन मार्टिन ये वाली कार, एक मस्टैंग और एक बाइक, एक बोट और एक कुछ तो है, हाँ एक ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब पांच छह चीजें ही है हमारे पास में। इस कार मतलब इस रेस के अंदर अपने को 15,000 रुपये मिलेंगे और 8,000 का एक्सपीरियंस। लेट्स गो, निसान स्काईलाइन GTR चलाने वाले हैं हम यहाँ पर। यार सारी रेसेस रात को क्यों हो रही है, दिन को होना, दिन में ना और बहुत तगड़ा लगेगा भाई। यार इनकी स्टोरी एक बार चेक कर ही लेते हैं। क्या ही पटाखे फोड़ रहे पूरे जापानीज लोग, कोनिचिवा। क्या इस कार के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, नहीं ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट या जो भी है, नेट फीडबैक, यस ये अंदर से आने दो, अंदर से जरा फील लेते ना। और भाई पहले ही दिन निसान GTR चलाने के लिए मिल गई है। ए ठुक जाएगी, ठुक जाएगी। हाँ टा 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 टा। अरे नैरो रोड वाली रेस है क्या? नहीं। अरे यार ये तो थोड़े से महंगे पड़ रहे साले। पूरा ए धक्का मुक्की नहीं, मालिक की गाड़ी है। सिक्स पोजिशन ठीक है, फिफ्थ पोजिशन नाउ, वेरी नाइस। पिछली वाली रेस में उनको इतना बुरा मैंने पीछे छोड़ा, साले दिख ही नहीं रहे थे, अभी भी नहीं दिखेंगे। फर्स्ट पर आ गया मैं दोबारा से। चल निकल बैठे। फुल स्पीड के अंदर ही टर्न करूंगा मैं। बूस्ट दो टर्न के ऊपर, जैसी स्पीड स्लो होगी बूस्ट दो और निकलते जाओ, ठीक है बूस्ट दो और निकलते जाओ। वेरी नाइस, अभी तक तो सारी चीजें बढ़िया से चल रही है। 26% रेस हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स गो। नहीं, मिस चेक पॉइंट। अरे रिवाइंड कहाँ से होता है, गलती से। और इसमें भी हम सिर्फ 15 सेकंड तक ही रिवाइंड ले सकते हैं। चलो नहीं भाई, चेक पॉइंट मिस ही होने वाला है अपना। ओके सेवेंथ पोजीशन पर आ गए हम, 30% रेस कंप्लीट हो गई। बट सेवेंथ में से फर्स्ट पर जाने के लिए मेरे को कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, तुम देखना। कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में ना पैडल भी रिकॉर्ड करूं, ताकि पैडल भी तुम्हें देखे और मजा आएगा फिर गेम को एंजॉय करने के लिए। अब जब भी इस गेम का एपिसोड आएगा ना, पेप्सी पॉपकॉर्न और सारी चीजें लेकर बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े एपिसोड आने वाले इस गेम के भाई। दौड़ा, थर्ड पोजीशन पर तो आ गए। 46-50% रेस होने से पहले मैंने दोबारा से अपनी पोजीशन, सॉरी कुछ नहीं, साले बाजू से निकल गए, शॉर्टकट मार के। व्हाट धक्का मुक्की, मेरे को लग रहा है फर्स्ट पे जो है वो उनका लीडर है और ये सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले इसके गैंग मेंबर है। मेरे को आगे आगे नहीं आने दे रहे भाई। कंट्रोल, वेरी नाइस। दौड़ाते रहे, कितना बूस्ट है, दौड़ाते रहे। जैसा जैसा बूस्ट मिलेगा दौड़ाते रहे। यस, छोटा चुट्टू वो कर। अरे क्या ही, चेक पॉइंट कैसे मिस कर दिया। ड्रिफ्ट हो गई थी गलती से, पता नहीं कुछ तो हुई, बस ड्रिफ्ट हो गई थी मेरे से। वेरी नाइस यार। अरे जो चिटक के चल रहा है मेरे को, पीछे ने किसी ने खंबा उड़ाया। ओ ड्रिफ्ट भी हो रही है, सही तरीके से करेंगे तो ड्रिफ्ट भी हो रही है। ड्रिफ्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मगर ड्रिफ्ट भी हो जाएगी अपने से। 71% हो गई। देखा। मेरा बच्चा है तुम्हारी नल निहारी। दौड़ा। अरे हुई नहीं ब्रेक, मारा नहीं मैंने ब्रेक। अगर मारता ना सही तरीके से तो ड्रिफ्ट भी हो जाती यार। क्या ही मजा आ रहा है कार को कंट्रोल करके चलाने में। पहले पर हम है, दूसरे पर हनीता है, तीसरे पर हयोतो है, तोजी है, शिंगो है, मार्क है। वेरी नाइस भाई, जीत गए हम, हल्के में जीत गए। 87% निशान जीत गया में। ओके गलती। ये पूरी जापान की सड़कें है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जापान की सड़कों पे हम इंडियन होके जापानीज को उनके ही शहर में जाकर हरा रहे हैं। 619 पुया का हो गया। वेरी नाइस, nice.
यार तुम भी ना यार हद करते हो। 8000 का एक्सपी मिल गया और 15000 रुपए भी मिल गए पहली पोजीशन पर आने के। वेरी नाइस। क्या हम 1,00,000 रुपए में कुछ खरीद सकते हैं? बट खरीद के कुछ फायदा ही नहीं होगा। हाँ खरीद के कुछ फायदा ही नहीं होगा। चलो ठीक है लेट्स गो तीसरी रेस की ओर जाते हैं और फिर उसके बाद में ना हम चेक करेंगे कौन सी कार्स है, कितने की है, कहाँ से परचेस करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी की सारी ना अपन वो करेंगे। ये क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके अंदर से जाने के? चलो ठीक है ए ठुक जाऊंगा ठुक गया। चलो ठीक है पॉइंट लेते लेते हम चलते हैं ना। ऑल राइट तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए। देखते हैं अब कौन सी रेस होने वाली है। यार रेस के अंदर ना अपने को बहुत अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। क्या ये ड्रिफ्टिंग की रेस है? माजा RX-7 चलाने वाले हैं। तुमने अगर मेरा एक स्टीयरिंग व्हील का शॉट नहीं देखा ना तो देखना। मैंने एसेटो कोर्सा के अंदर हाईवे पर फुल ट्रैफिक के बीच में स्टीयरिंग व्हील के साथ में चलाया था माजा RX-7। काफी ज्यादा तगड़ी साउंड यार भाई, कार का साउंड क्या ही प्यारा प्यारा है। सच में बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा साउंड आ रहा है यार। चलो ठीक है क्या हम ही है पहले पर। नाइस। अरे हम दो लोग की रेस लगी है। चलो ठीक है आजा हम दो ही है ना। आजा बेटे तू दो आ या पूरी गैंग लेकर आ। ओ अरे मैंने ड्रिफ्ट कर दिया था भाई। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ज्यादा एक्साइटेड नहीं फोकस। वेरी नाइस वेरी नाइस। फोकस ज्यादा बहकना नहीं है। धीरे धीरे करके वो एक एक कदम लेकर बहुत ज्यादा दूर निकल गया तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो ट्रैक के ऊपर। रास्ता छोड़कर मैं सारी जगह पर वो कर लेता हूँ। नहीं यार नहीं 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 वो धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा दूर निकल गया मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये वाली रेस में मेरे को क्या हो गया? नहीं फोकस भगा 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 दौड़ा दौड़ा। बहुत ज्यादा टर्न्स है यार बहुत ज्यादा टर्न है। अगर राइट में देखोगे ना मैप में बहुत ज्यादा। अच्छा उससे भी गलती हो रही है। निकल यस सीधा मौका मिला अपने को उसके आगे जाने का। नजदीक भी आ गया ना मैं तो फिर जैसे तैसे करके मैं नजदीक भी चलना यार आ गया नजदीक। दौड़ा दौड़ा दौड़ा। देखो टर्न के ऊपर कैसे आइडिया से बूस्ट दे रहा है। ज्यादा बूस्ट वाला कुछ ना करना पड़ेगा अपनी कार को क्या बूस्ट ना बहुत देर तक चले। आजा बेचे 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 बेचे। यू आर गॉन यू आर फिनिश यू आर नो मोर। अरे तेरी ऐसी की तैसी साले। यार वो एक कांस्टेंट स्पीड से देखो कैसे बढ़ रहा है आगे। हमारी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। वो चिटक करना वो लाइन को ही चल रहा है। ओके 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 हमें ज्ञान दे रहा है ये। अरे जाके मेरी फोर्ज़ा होराइज़न 5 की सीरीज देख ले नूबड़े। वैसे हमने उसमें भी टच की है बट यस देख लो जिसने नहीं देखा तो क्योंकि बहुत मजा आएगा। बहुत तगड़े तगड़े वीडियोज अपलोड किया मैंने उसके। मजाक मजाक में 59% हो गया है तो अब जरा सा अपने हायोतो को डोमिनेट करना पड़ेगा अपने को। नहीं ना नहीं ना नहीं ना यार वो धीरे धीरे करके ना भाई देखो कितनी ज्यादा दूर निकल लिया। जैसे मेरे को कुछ भी करना पड़े कैसी भी चलाओ मेरे को उसके आगे निकलना है। A few moments later. यार भाई यार कितने पे आकर भाई यार हरा दिया यार बंदे ने वो अपने को। मेरी कार की बैंड बजा दिया। मैंने शोरूम गाड़ी दिया था मेरे को उसने कार की पूरी मैंने बैंड बजा दिया भाई। ऐसी की तैसी कर दिया। विन रेस क्या किया जाए? रिट्राई किया जाए एक बार रिट्राई। ऐसे नहीं हार सकते और हायोतो को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फोकस ज्यादा पक पक नहीं ठीक है फोकस। मैं कोशिश करता हूँ इस बार ना अंदर से चलाऊ कार ताकि मेरे को ज्यादा कंट्रोल मिले। Let me
चल निकल बेटे पीछे। अंदर से मैं बहुत तगड़ी चलाता हूँ, बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। फोकस रखेंगे और अंदर से चलाएंगे ना तो इजीली हम निकाल लेंगे उसको। ये टर्न के ऊपर देखो वो स्पीड स्लो कर रहा था और ऐसे कांस्टेंट निकाल रहा था, मेरे से वो चीज़ नहीं हो रही थी। मैं ना भगा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मैं भगा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। वेरी नाइस, बूस्ट दे, बूस्ट दे, बूस्ट दे, नज़दीकी है वो, बूस्ट दे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हक दिया, हक दिया, हक दिया, हक दिया, हक दिया, हक दिया। जाने मत दे साले को, जाने मत दे साले को। अरे बाजू से निकल गया। हट 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 हट। अरे बेट, अरे भाई, देखो कैसे निकला, कैसे निकला यार। ये एक टेक्निक है, ये एक सच्ची में टेक्निक है। हट, थोड़ा सा बूस्ट बजा कर रखेंगे। हाँ देखो देखो देखो, मेरे से ना मेरी कार स्लो हो रही है, वो स्लो कर रहा है और फुल स्पीड से निकाल रहा है। मैं ना स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाता हूँ, मैं थोड़ा सा कम कम घुमा रहा हूँ ना, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। दौड़ बेटे दौड़, दौड़ बेटे दौड़। उसको ना छोड़ दूंगा ना ज़्यादा दूर तो अच्छा रहेगा। अगर हमसे गलती भी होगी ना तो हम उस गलती को वो कर लेंगे, सुधार लेंगे उसके आने तक। बट साला चिपक चिपक कर ही चल रहा है। वेरी नाइस यार, गियर शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। मैनुअली गियर शिफ्ट करूंगा ना ऐसे टर्न्स के ऊपर तो ज़्यादा अच्छे से मैं कार को कंट्रोल कर पाऊंगा। पीछे ही है क्या वो? मैं हाँ वही तो बोल रहा है, ये कंट्रोल लूज कर रहे हो तुम, मेरे से वही गड़बड़ हो रही है। इतना एक्सट्रीम टर्न क्यों कर रहा हूँ मैं? थोड़ा कम टर्न करके ज़्यादा स्पीड दूंगा, वो भी ज़्यादा सही रहेगा। क्या आवाज़ गूंज रही है इधर? यार मैं अंदर से ही अच्छी चला रहा हूँ भाई, अंदर से पता नहीं मैं, पर मेरे को ना अच्छा कंट्रोल आता है। गंदा 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 गंदा, बट चलो। अरे मुंह बंद कर, मेरे को फोकस करने दे। ओ नाइस नाइस नाइस, समझ गया। फुल एक्सेलरेटर नहीं करने का अपने को, फुल एक्सेलरेशन देना ही नहीं है, लिमिट में देना है टर्न के ऊपर, ठीक है, लिमिट में। ये देखो 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 देखो, निकली ना, फिर भी उतनी परफेक्ट नहीं निकली, बट निकल जाएगी। यार ये बंदा पीछे ही है मेरे, ये बंदा मेरे पीछे ही है, उसकी कार की ना आवाज आ रही है मेरे को। ये देखो देखो देखो, आ बराबर से निकाल रहा हूँ, अब बराबर से निकाल रहा हूँ मैं। ओके, रियल टोक्यो ड्राइविंग देखना तेरे को, आप भी ठीक करके देता हूँ, रुक जा। नहीं 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 नहीं, मैं इंडियन ड्राइविंग ही बता सकता तेरे को, रियल टोक्यो ड्राइविंग मेरे अंदर नहीं है। क्या ही बूस्ट दिया हमने, अरे क्या निकाले यार, परफेक्ट निकली एकदम। ये इतने सारे टर्न्स है ना भाई, फाइनली जीत गए जीत गए जीत गए। यस, जीत गए हम, कोनिचिवा, जीत गए हम। कोनिचिवा का मतलब हेलो होता है ना, जो भी होता है। वारी 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 नाइस, एक और 9000 का एक्सपीरियंस मिल गया भाई साहब। 16,800 रुपए अपने को मिले यहाँ पर। वारी 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 नाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अरे मेरे बाजू से वो चार टायर वाली कार, बाइक वाला गया बंदा। ठीक है, थोड़ा सा स्वैग में आते हैं अब हम, ठीक है, थोड़ा सा अंदर के स्टीयरिंग व्हील के साथ में ना, मतलब BMW रोज चलाता हूँ भाई मैं क्रू मोटर फेस्ट के अंदर। अब मेरे को ये चेक करना है कि अब अपने को जो बाइक्स और कार्स परचेस करनी है वो हम कहाँ से करें। अच्छा यहाँ पर है सारे बाइक्स और कार। यार ये कौन सी है? टोयोटा GR सुपरा। क्या मैं इसको बस टेस्टिंग के लिए चला सकता हूँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे सिर्फ टेस्टिंग करना है, मेरे को ख़रीदना नहीं है, मेरे को बस टेस्टिंग करना है प्लीज़। ये बंडल में आएगी, चलो ठीक है, बंडल भी परचेस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कौन सी है? GR सुपरा LBWK एडिशन। वैसे हम इस वाली सुपरा की टेस्ट ड्राइविंग कर सकते हैं,
मैंने पहले अच्छे से देखा ही नहीं। मेरे को पता था क्रू टू के अंदर ना टेस्ट ड्राइविंग होती है, पहले इसका साउंड देखेंगे। हाय साहब, इसकी टॉप स्पीड। अरे अरे भाई, क्या ही कंट्रोल है कार का। अरे क्या ही प्यारा कंट्रोल है यार कार का। बोलो ये वाले परचेस करूं कि नहीं। वैसे तो करूंगा ही मैं, बट कब परचेस करूं ये बताना मेरे को, अगले एपिसोड में देखना। वैसे अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा, बट क्या ही है। अंदर से थोड़ा तुम्हें इंटीरियर बता दो। अरे इसको तो अभी हमने ट्यून और कस्टमाइज किया ही नहीं, अभी तो हम बस ऐसे ही। ये जो सीटी की आवाज़ आ रही है ना, वही दिल खुश कर देती भाई। और कंट्रोल बहुत नेक्स्ट लेवल है इसका, सच्ची में भी कंट्रोल। अटवे, यस, वेरी नाइस। इसका सच्ची में भी कंट्रोल भाई। देखा। ये मेरी जान, क्या ही चलाते हम खतरनाक। मैनुअली चलाऊंगा ना तो ड्रिफ्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सच में यार बहुत ज़्यादा प्यारी कार है। तो एक चीज़ तो अच्छी हुई कि अब हम 2 मिनट तक कार चला सकते हैं, पहले सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट का ही बताता था, अब कम से कम थोड़ा सा दिल भर के कार चला लेंगे। ओ भाई क्या जा रही है ये, अभी तो बूस्ट ही नहीं दिया मैंने, छप गए। अरे मालिक की कार है वो, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अब दूसरी कार टेस्ट करते हैं। ये 6.5 लाख रुपए की है मात्र, इसको हम इजीली मतलब कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। और अगर मैं बुगाटी शिरों कार्बन एडिशन की टेस्ट ड्राइव लूंगा तो ये कार कैसे परफॉर्म करेगी हैं? अरे रे रे, बैटरी वाली है? नहीं बैटरी वाली नहीं है तो। अरे भाई अरे रे खतरनाक, क्या ही खतरनाक। और अरे भाई साहब, 300 तो जा रही है वो, क्या जा रही है, खतरनाक भाई। बूस्ट अगर दूंगा तो भाई, बूस्ट देने में तो ये सामने टाइम आ गया ना, मेरे को दिख नहीं रहा कार कहाँ पर है। अरे टाइम को थोड़ा आगे पीछे इधर उधर ले लेते, सामने का तो दिख ही नहीं रहा भाई। अच्छी कार की बैंड बजा दियो मैं, रुक जाओ वापस चलते हैं, ये कुछ दिख नहीं रहा। इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, ठीक है चलो 1 2 3 लेट्स गो। अरे पहुंच गई 2.5 सेकंड के अंदर ही, 2.5 सेकंड के अंदर ही पहुंच गए भाई आराम से। कंट्रोल तो है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, वो भी स्टीयरिंग व्हील के ना साथ में चलाने में, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कट कुट मारने में तो और दिल खुश हो जा रहा है। बूस्ट देता हूँ मैं, बूस्ट देता हूँ, कहाँ तक जा रही है। और 450 भाई, वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है। तो यस, ये था आज का खतरनाक एपिसोड। इंजॉय किया तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दोनों भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना भाई। अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना, ठीक है। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, अगले खतरनाक और तगड़े एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।